to find the value of temperature on the basis of Wheat-Stonebridge. देखो, अगर आप इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स. इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का चैप्टर जब स्टार्ट हुआ तो हमने सबसे पहले क्या किया, किरचॉफ लॉ. किरचॉफ लॉ की जो एप्लीकेशन है वो क्या की, Wheat-Stonebridge. तो Wheat-Stonebridge किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस था क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी और हमने किरचॉफ का लॉ लगाया था. फिर किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन में, या किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन में Wheat-Stonebridge, Wheat-Stonebridge को दो जगह यूज किया जाता है. पहला हमने कर लिया मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज एक मशीन है जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालती है. पहला तरीका वो था. दूसरा एक और जगह काम आता है, टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर निकालने के काम आता है Wheat-Stonebridge. तो बेसिकली ये Wheat-Stonebridge की एप्लीकेशन है फर्दर. तो एक मीटर ब्रिज है और एक टेम्परेचर फाइंडिंग है. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है और एनसीईआरटी का टॉपिक है. तो इसमें क्या किया जाता है, सपोज ये एक Wheat-Stonebridge आपने लिया जिसमें P, Q, R और एक और रेजिस्टेंस भी, गैल्वेनोमीटर और बैटरी. ये रेजिस्टेंस खास किस्म की रेजिस्टेंस मटेरियल की बनी हुई है और ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वो एक मटेरियल जिसका नाम है प्लेटिनम की बनी हुई है, जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर के आसपास है. प्लेटिनम ही क्यों चूज किया गया, कॉपर क्यों नहीं चूज किया गया? प्लेटिनम इसलिए चूज किया गया क्योंकि प्लेटिनम की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाती है. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्लेटिनम सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा लेगा. अगर रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे तो प्लेटिनम की रेजिस्टेंस बहुत जल्दी कम भी हो जाती है. कि हमने टेम्परेचर मेजर करना है तो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होनी चाहिए, तभी टेम्परेचर को ईजिली मेजर किया जा सकता है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक प्लेटिनम वायर लिया. सबसे पहले केस नंबर वन, इस प्लेटिनम वायर को मैंने आइस पे रख दिया. आइस का टेम्परेचर क्या है, जीरो. तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, आर जीरो. तो अब ब्रिज को मैंने बैलेंस किया. जब मैंने बैलेंस किया तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई. फिर मैंने रेशियो ली. रेशियो में क्या लिया, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन आर जीरो. तो ये इक्वेशन नंबर वन क्लियर है. ठीक, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस. फिर मैंने केस नंबर टू लिया. केस नंबर टू में प्लेटिनम वायर को किस पे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे रख दिया. तो रेजिस्टेंस इस प्लेटिनम वायर की आर जीरो की जगह कितनी हो गई, आर 100 हो गई. ब्रिज को फिर बैलेंस किया. ब्रिज को बैलेंस करने में अब इनकी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज हुआ. तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर डैश बाई आर 100. तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा और इसकी वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया. तो आर डैश बाई आर 100, ठीक, ताकि इसकी रेशियो सेम रहे. तो ये स्टेप भी क्लियर है, पी बाई क्यू इज आर डैश बाई आर 100. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, आर एट 100. अब केस नंबर थ्री, प्लेटिनम वायर को कहां रखा, एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, जो मुझे निकालना है. तो मुझे टी डिग्री सेल्सियस पर निकालना है. तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर ऑफ टी. तो फिर से ब्रिज को बैलेंस किया, पी बाई क्यू इज इक्वल टू, अब रेजिस्टेंस को फिर चेंज करना पड़ा, आर डैश से आर डबल डैश से आर डबल डैश, क्योंकि ये रेजिस्टेंस चेंज हो गई आर टी. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, आर टी. हमने इसमें क्वेश्चन में टेम्परेचर निकालना है. तो अब मैंने क्या किया, तीन इक्वेशन आ गई. जब केस और एल्फा मान लो प्लेटिनम का कोफिशेंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस है. तो जब मैंने उसको 0 से 100 पे रखा था प्लेटिनम को, तो इक्वेशन क्या बनेगी, रेजिस्टेंस एट 100 इज रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस अल्फा इनटू 100. इसे मैंने ओपन किया R0 से मल्टीप्लाई करके, R0 लेफ्ट पे आ गया, R100 माइनस R0. यहां से सॉल्व करके मैंने अल्फा निकाल दिया, अल्फा की वैल्यू आ गई. फिर मुझे पता है कि रेजिस्टेंस टी डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, रेजिस्टेंस एट टी इज रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस अल्फा इनटू टी. R0 को फिर मल्टीप्लाई किया, यहां से R0 को लेफ्ट पे लेके गया, फिर से अल्फा की मैंने वैल्यू निकाल दी, इक्वेशन नंबर 5. तो अल्फा की वैल्यू 4 इक्वेशन से भी आ गई, अल्फा की वैल्यू 5 इक्वेशन से भी आ गई. अल्फा अल्फा सेम है, तो इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इक्वेट. तो दोनों को आपने इक्वेट कर दिया. इक्वेट करके R0 से R0 कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ गई, टेम्परेचर की वैल्यू आ गई. हमने टेम्परेचर टी निकालना था. अब एक चीज बताओ कि जो इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है. अगर मैं टू इक्वेशन को वन इक्वेशन से माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आर एट 100 माइनस आर एट 0, क्यू अपॉन पी तो दोनों में कॉमन आ गया
और क्या बचेगा, आर डैश माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी। क्या स्टेप क्लियर है? दोनों को माइनस करके ऐसा कुछ आएगा। यही मैंने इसमें किया हुआ है, चेक करो, ये मेरा टेम्परेचर ऑलरेडी आ चुका है। मैंने टू थ्री और वन, पहले मैंने टू और वन को माइनस किया, आर हंड्रेड माइनस आर जीरो की ये वैल्यू आ गई। फिर मैंने इक्वेशन नंबर थ्री और वन को माइनस किया तो आर टी माइनस आर जीरो की वैल्यू आ गई। तो ये आर टी माइनस आर जीरो को यहाँ पुट कर दिया, आर हंड्रेड माइनस आर नॉट को ये पुट कर दिया। तो जब पुट किया सब क्यू बाई पी कैंसिल, आपके पास ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब मैंने बैलेंस किया था तो मैंने आर यूज किया था, फिर नेक्स्ट केस नंबर टू में आर डैश यूज किया था, केस नंबर थ्री में आर डबल डैश यूज किया था। इन तीन रेजिस्टेंस की हेल्प से मैंने टेम्परेचर की वैल्यू को निकाल दिया। तो ये तरीका है कि हाउ टू कैलकुलेट द टेम्परेचर बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज।